चलिए एक और नए स्टूडेंट से मिलते हैं, सुब्रत सक्सेना से, जो कि ईटा यूपी से हैं, जिनके ऑल इंडिया 152 रैंक है और उन्होंने एनआईटी इलाहाबाद को चूज किया और एनआईटी इलाहाबाद इनको मिला है। तो सबसे पहले इस रैंक और कॉलेज के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। सुब्रत, जैसे कि आपने फाइनल ईयर के साथ ये एग्जाम को क्रैक किया है, तो मैं चाहूंगा कि आप जब अपनी सक्सेस जर्नी बताएं, तो आपने पहले तो निमसेट के लिए कब सोचा, फिर कैसे आपने अपने आप को माइंड को सेट किया, और आपने क्योंकि ऑनलाइन प्रिपरेशन किए, घर पर रह के किए और इतनी अच्छी रैंक लाई है, तो जो आपका लाइफ का एक्सपीरियंस है मैं चाहूंगा ये जरूर बताएं, क्योंकि ये इंटरव्यू हर एक बच्चे को कहीं ना कहीं डिसीजन लेने में बहुत सपोर्ट करते हैं। कई सारे इंटरव्यू में कौन सा इंटरव्यू किसको क्लिक करता नहीं पता, तो ये मैं चाहूंगा आप अपनी सक्सेस जर्नी जरूर बताएं। तो सबसे पहले तो सर आज के लिए मैं बहुत दिनों से वेट कर रहा था, मतलब जब आप पिछले साल के टॉपर्स का इंटरव्यू डालते थे ना, तो वो देखता था, मैं सोचता था कि नेक्स्ट ईयर मैं भी आऊंगा यहाँ पे, फाइनली सर आज आ गया वो दिन। तो ये तो सुब्रत आपने बिल्कुल सही बात बोली कि हर बच्चा, मतलब इम्पिटस गुरुकुल के साथ यही है, और क्योंकि आपको भी पता है जैसे लास्ट ईयर के बच्चे उन्हें पिछले साल के बच्चों को, हर बच्चे को ये इंतजार रहता है कि एक सिचुएशन 1-to-1 होता है वो भी, और ये अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस शेयर करें, तो मुझे बहुत खुशी होती है। बच्चे भी इस बात का इंतजार करते हैं, मैं भी बहुत खुश होता हूं जब बच्चों के इंटरव्यू लेता हूं, क्योंकि आपने इतनी मेहनत से ये रैंक अचीव की है, कॉलेज मिला है, तो ये जो आपकी जर्नी है, ये जो अचीवमेंट है, ये कहीं ना कहीं लोगों को पता भी चलना चाहिए, और जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं वो कहीं ना कहीं इससे गाइड भी हों। सबसे पहले तो सर मैं अपने नाना नानी को थैंक्स बोलना चाहूंगा, मैं ना छोटे से उन्हीं के पास रह के पढ़ाई करी है मैंने, तो वही सबसे बड़ी मोटिवेशन का सोर्स थे। उसके बाद सर आप लोगों की गाइडेंस मिल गई, प्रॉपर गाइडेंस, तो आप लोगों की वजह से ये अचीव कर पाया मैं नेक्स्ट टाइम, तो उसके लिए थैंक यू सर। थैंक यू बेटा। तो सुब्रत आपने कब सोचा निमसेट के लिए, और फिर कैसे आपने प्रिपरेशन की, क्या आपका शेड्यूल होता था? सर स्टार्टिंग से शुरू करता हूँ, 12th के बाद सर एडमिशन मेरा BCA में बाई चांस ही हो गया, तो उस टाइम पे कुछ पता भी नहीं था कि BCA के बारे में भी नहीं पता था, तो बाई चांस ही एडमिशन हुआ था BCA में। पर जैसा सर आप बोलते हो ना कि जो होता है अच्छा होता है, लेकिन पता हमें बाद में चलता है, तो वैसे ही था सर, अच्छा था, बाद में पता लगा कि सही है, फिर अपने बारे में और सोचा, फिर देखा सर आगे और अच्छा क्या कर सकते हैं। फिर उस वक्त सेकेंड ईयर में मुझे पता चला था सर NIMCET के बारे में, तो फिर उसमें मुझे पता चला अरे वाह मैं NITs वगैरह में जा सकता हूँ अभी और आगे अच्छा कर सकता हूँ, तो सेकेंड ईयर में मैंने पता चला था कि NIMCET के बारे में, तो सर तभी से फिर मैंने एम बना लिया था अपना सर NIMCET क्लियर करना है। तो सबसे पहले सर मैंने आपको YouTube पे देखा था, और तभी से आपके साथ कनेक्ट हो गया, फिर आपको YouTube पे फॉलो करने लगा कुछ दिन तक, फिर मैंने इम्पिटस से पेन ड्राइव कोर्स लिया था, उसके बाद उससे अपनी प्रिपरेशन शुरू करी, तो उस टाइम क्या था कॉलेज भी जाना होता था, तो और उसकी फिर उसके बाद NIMCET की पढ़ाई भी करनी होती थी, तो उस कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई हो नहीं पा रही थी उस टाइम पे, मतलब ऐसे करते करते 2-3 महीने ऐसे ही वेस्ट हो गए, मतलब कुछ ज़्यादा पढ़ाई नहीं हुई उसमें, तो उसके बाद लेकिन सर लॉकडाउन हो गया, तो लॉकडाउन में काफ़ी फायदा मिला उसका, काफ़ी टाइम मिल गया पढ़ने के लिए, तो लॉकडाउन का मतलब पूरी अच्छी तरह से यूटिलाइज किया जो भी किया था। तो सुब्रत बिल्कुल सही बोला आपने, एक तो कई बच्चों को इस बार एक चीज का फायदा मिला कि लॉकडाउन के वजह से कॉलेज का प्रेशर नहीं रहा, और उसका पूरा फायदा आप लोगों ने उठाया, कई लोगों ने इसी को अपनी मजबूरी मान लिया और पढ़ाई छोड़ दी, और कुछ लोगों ने इसी को अपना ताकत और समय मान लिया, उन्होंने इसका फायदा उठाया। तो सुब्रत मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि जब आप ऑनलाइन पढ़ते थे तो क्या क्या चैलेंजेस आए, और आपका एक्सपीरियंस क्या रहा ऑनलाइन का? सर ऑनलाइन में मुझे लगता है सर एक ही चैलेंज आता है, मतलब डिसिप्लिन, अगर नहीं है आप सेल्फ डिसिप्लिन तो प्रॉब्लम होती है, लेकिन मुझे लगता है सर अगर आपके माइंड में क्लियर है कि आपको क्या करना है, आप क्या करना चाहते हैं, आप क्यों करना चाहते हैं, तो वो भी हो जाता है। मतलब तो मेरे साथ क्या होता था, जैसे मुझे क्लियर करना था हर हाल में NIMCET निकालना था, ये मेरे दिमाग में चलता था, तो मान लो जैसे मैंने कभी 1-2 दिन मान लो पढ़ाई नहीं करी है, मतलब कोई भी रीजन हो, मन नहीं किया है कुछ नहीं, तो बाद में खुद से बुरा लगने लगता था कि नहीं यार पढ़ाई नहीं करी है, ऐसे नहीं होगा और मेहनत करनी पड़ेगी, तो सब यही होता था। और सर आपकी जो क्लासेस होती थी, मैं आपकी क्लास का लाइव क्लास का वेट करता था, बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता था उससे, और जैसे चल रही है क्लास, तो आज तक मैं कभी भी 1 मिनट के लिए भी नहीं उठा जैसे लैपटॉप के आगे से, तो बहुत अच्छा लगता था सर, आप डेली आ जाते थे, और जब एग्जाम होने वाला था तब तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ गई थी क्लास की, तो एक मोटिवेशन का लेवल वो था बना रहता था आपके, आपकी एक क्लास लेने से। बिल्कुल सही बात बोली सुब्रत आपने कि सेल्फ डिसिप्लिन अगर किसी में है, तो देखो पढ़ाई तो खुद ही करनी होती है, एक गाइडेंस चाहिए होता है, क्लास की जरूरत होती है, वो तो सब मिल जाता है, पर सेल्फ डिसिप्लिन की जरूरत होती है, और अगर कोई सेल्फ डिसिप्लिन है तो घर पर रह के भी ऑनलाइन उतने अच्छे से पढ़ सकता है, और वो आपने प्रूव भी किया।
सुब्रत आप एक चीज बताओ, आप फाइनल ईयर में थे तो आप अपने जूनियर्स को, स्पेशली वो बच्चे जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर या फाइनल ईयर में, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? कई बच्चे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाले ये सोच के रुके रहते हैं, अरे अभी हमारे पास टाइम है। मैं हमेशा बोलता हूँ जब आपने सोच ही लिया तो पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो आपका अपना क्या मैसेज होगा सर? सबसे पहले तो यार जो प्रिपरेशन कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर के लिए NIMCET की, तो मैं उनसे बोलूंगा सबसे पहले तो आप खुद पे भरोसा रखें और अपने आप को डेली बताएं कि हाँ आप कर सकते हैं, और रिजल्ट की चिंता मत करें, मतलब क्या होगा, मतलब सिलेक्शन होगा नहीं होगा, तो पढ़ाई को एंजॉय करें। और उसके बाद टेस्ट की दृष्टि से सर बहुत हेल्प मिली थी, मतलब जो भी होता है, मतलब हम पढ़ लेते हैं सब कुछ, थ्योरी वगैरह कर लेते हैं, बुक सॉल्व करेंगे, लेकिन असली प्रिपरेशन तो सर टेस्ट में पता चलती है, मतलब क्या है हमारी परफॉर्मेंस। तो टेस्ट का भी टेस्ट जरूर दें और टेस्ट मिस ना करें, क्योंकि अगर मान लो बहुत सारे लोगों के मार्क्स कम आते हैं टेस्ट में तो डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो उनसे बोलूंगा मैं कि टेस्ट में मार्क्स क्या आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरे लगता है इम्पोर्टेंट वो कि आप टेस्ट देने के बाद में क्या करते हैं, मतलब उसका कितनी अच्छे से एनालाइज कर, मतलब दोबारा से अगर कोई क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो आप किप कर लेंगे नहीं कर लेंगे, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो टेस्ट अच्छे से दें। और एक और बात जो सर मुझे लगता है अपने एग्जाम में थोड़ी सी गड़बड़ करी थी, जो वो था टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा सा गड़बड़ हुआ था, मतलब जैसे मैंने आपने बताया था ना जैसे कि पेपर को पुराना बनाना होता है, मतलब बार बार उसे देखो बार बार देखो, आपकी बातों का बहुत फायदा मिला था। तो जैसे मैंने ऐसी मैथ सेक्शन कर रहा था सबसे पहले, तो उसमें क्या हुआ, जैसे एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था सर, उसमें प्रोबेबिलिटी और इनइक्वालिटी वाला मिक्स क्वेश्चन था, मैं करता हुआ जा रहा था, वो क्वेश्चन देखा मैंने, एकदम से मुझे समझ में नहीं आया, फिर मैंने स्किप कर दिया, फिर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया, फिर जल्दी आगे के जो आ रहे थे वो करता गया। फिर से जब वापस आया उस क्वेश्चन में तो मुझे याद आ गया कि मैंने टेस्ट सीरीज में करा था, बिल्कुल वही क्वेश्चन आया था जो टेस्ट सीरीज में पहले, मेरे को याद है। तो ऐसे करके करते गया, तो मैं जब फर्स्ट राउंड से मैथ्स निकला था 37 क्वेश्चन हो गए थे मैथ्स के, उसके बाद मैं रीजनिंग पे गया, लेकिन सर और उसमें 4-5 क्वेश्चन ऐसे थे कि मुझे लग रहा था मैं कर लूंगा मैथ्स के, ये गलती हुई थी मेरे से, तो मैं बाकी के सेक्शन बहुत जल्दी जल्दी करने लगा। फिर तो जैसे रीजनिंग के मैथ्स के 37 करने के बाद रीजनिंग पे आया, तो बहुत जल्दी रीजनिंग के 26 क्वेश्चन हो गए थे, और इंग्लिश मुझे करनी नहीं थी पहले से, मैं सोच लिया था क्योंकि मॉक टेस्ट में बहुत सारे गलत चार्ट होते थे इंग्लिश के, तो इंग्लिश का सिर्फ मैंने एक ही क्वेश्चन करा था वो सही था, तो कंप्यूटर के 3 करे थे, और फिर मैं वापस मैथ्स पे आ गया, और मैथ्स में सर फिर 2 क्वेश्चन और बढ़ गए, लेकिन मैंने ज्यादा टाइम उसमें वेस्ट कर दिया जो क्वेश्चन बने नहीं अभी तक नहीं हुए। अगर वो टाइम मैं रीजनिंग देता तो रीजनिंग के क्वेश्चन तो डेफिनेटली बढ़ जाते, रीजनिंग काफी ईजी थी, तो यही थोड़ी सी गड़बड़ हुई थी मेरे से इस बार। बिल्कुल सही बात बोली सुब्रत आपने। देखिए जो इंसान अपनी कमियों को समझ लेता है वो जीवन में कभी हारता नहीं है। आपकी जो रैंक 152 है, मुझे लगता है ये 20-30 में होती है अगर ये 5-6 क्वेश्चन में आप गड़बड़ नहीं करते। कई बार ऐसा ही होता है, या सिलेक्शन या टाइम मैनेजमेंट हमारा गड़बड़ हो जाता है तो ऐसी दिक्कतें होती हैं, बट एनीवे इसके बाद भी आपकी इतनी अच्छी रैंक है और बहुत अच्छा आपने जूनियर्स बच्चों को मैसेज दिया, तो मैं आपको इस बात के लिए बोलूंगा। अगर कोई जो इम्पीटस गुरुकुल से इम्पीटस गुरुकुल को फॉलो कर रहे हैं, इम्पीटस फैमिली से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को तो चिंता करने की मतलब ज्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए, वो तो बस आपको आपकी सारी बातों को फॉलो करने, मतलब आप जो बोलते हैं वो उसका 70-80% भी फॉलो कर लेंगे ना तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि इस बार एग्जाम में सबसे अच्छी बात की सर, जब लगभग लगभग 1 घंटे पहले हम पहुंच गए थे अपने सेंटर पे और कंप्यूटर के आगे बैठे हुए थे, तो वहाँ टाइम चल रहा था, टाइमर चल रहा था, 1 घंटे रह गया, इतना टाइम रह गया, तो लेकिन बिल्कुल भी अंदर से डर नहीं था ये क्या होगा कैसे नहीं होगा, अंदर से कॉन्फिडेंस आया कि सर हाँ कर लेंगे, इतना पढ़ाया हमने। मैं तो सर आंख बंद करके बैठा हुआ था वहाँ पे आराम से, आपकी बातें याद आ रही थी बस सर, तो बहुत अच्छा हुआ सर। चलो बहुत अच्छी बात बोली आपने। इम्पीटस गुरुकुल फैमिली ऐसी है ही कि सब एक दूसरे के साथ सपोर्ट भी करते हैं और आगे भी बढ़ते हैं। तो सुब्रत चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अब आपका काम है कि आप अपने जूनियर्स को ऐसे ही मोटिवेट करें, अपनी जिस जगह से आप बिलोंग करते हैं वहां पर भी कम अवेयरनेस होगी तो अवेयरनेस प्रोग्राम भी रखें, जो भी मिसगाइड होता है या जिसको गाइडेंस की जरूरत है उसको जरूर गाइड करें, और NIT इलाहाबाद जाके भी बहुत अच्छा परफॉर्म करें। वंस अगेन कांग्रेचुलेशन एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू बेटा।